जिसको एक्ट्रेस बनना होता है उनका एक सिर्फ एक्ट्रेस होने का स्ट्रगल होता है, पर मुझे लगता है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ उसके बाद से ही शायद मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया। तो जब मम्मी की शादी हुई पापा से, तो पापा की ऑलरेडी 3 वाइफ थी और उनको मेरी मम्मी की जितनी बेटी थी, तो जो उनकी जो सेकेंड वाइफ थी वो उनको ना हमेशा होता था कि उनको प्रॉपर्टी मिले ये वो। और जब मेरे पापा हम पे ज़्यादा ध्यान देने लगे थे तो उन्होंने मम्मी को मारने के लिए गुंडे भेजे। मैं तब शायद स्कूल में थी और मेरा भाई ये सब देख रहा था और मेरी मम्मी को तलवारों से मार दिया, ताकि उनका कहना था कि इनको पूरा मार दो, इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलना चाहिए। तो मेरी मम्मी को गुंडे ने इतना मारा, लाइक उनके पूरे बॉडी में 370 टाके हैं। उस टाइम पे हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मैं और मेरी भाई हम लोग लाचार नीचे बैठे रहते थे कि क्या होगा। किसी ने पैसे नहीं दिए क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी मेरी मम्मी, पापा भी फरार थे क्योंकि उनको लगता था कि पुलिस उनको भी पकड़ लेगी। और उन पेपर से मैं और मेरे भाई ने भीख मांगी, लोगों से चंदा जमा किया कि हमारे मम्मी को इलाज के पैसे चाहिए। मेरी मम्मी 2 साल तक बेड रेस्ट थी, हमें खाने तक कि हमें कोई पूछने नहीं आता था। मैं और मेरा भाई कुल्फी बेचने जाते थे, मैं लोग के घर में बर्तन धोने जाती थी, 40 रुपये हफ्ते से या महीने से मैं खाना बनाने जाती थी। स्कूल में हमें कोई एंटरटेन नहीं करता था, हमारे पास कोई बैठता नहीं था क्योंकि हम फीस नहीं दे पा रहे थे। एग्ज़ाम जब होती थी हमें बाहर खड़ा कर देते थे कि तुम जब फीस तुम लेके आओगे तभी तुम्हें स्कूल में आने देंगे। ऐसे हमारा काफ़ी फ्रेज चलता रहा 2 साल। फिर उसके बाद जब मम्मी ठीक हुई, मम्मी ने भी बाहर काम किया, बर्तन धोने गई, हमने फिर मेस का शुरू किया, तो हम मेरा भाई और मैं मेस के डब्बे पहुँचाने लगे। तो हमने फिर एक भैंस ली, वो 1 से 2, 2 से 3 हुआ। तो मेरी मम्मी भैंस धोती थी, मैं भैंस धोती थी, मैं सुबह उठ के मेरा भाई दूध पहुँचाते थे, गोबर उठाते थे, हम वो उपलिया थापते थे। मुझे याद है कि मैंने 6 महीने उपलिया थापी तब जाके मुझे साइकिल मिली। स्कूल में ऐसा होता था कि हमारे आंगन से गोबर की बास आती थी तो कोई बात नहीं करता था, कोई पास भी नहीं बैठता था। मुझे लगता कि मेरा कोई दोस्त बना होगा पूरी लाइफ, यहाँ पे मैं मिलती हूँ लोगों से। स्कूल कॉलेज में कोई बात नहीं करता था क्योंकि गोबर की स्मेल आती, लोग बैठते नहीं थे, बात नहीं करते थे। उसके बाद तो मेरे ऊपर एक आंटी रहती है, वो मुझे बेटी मानती थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि चल आज ना हम फोटो निकालने जाएंगे स्टूडियो पे। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मेरे लिए वो था कि यार मैं फ़ोटो निकालूंगी पहली बार। तो मैंने पहली बार फ़ोटो निकाला तो वो फोटोग्राफर ने मुझे बोला कि मैं आपका फ़ोटो, उनको इतना अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि मैं आपका फ़ोटो, हमारे पेपर में कॉलम आता उसमें दूँ क्या। तो मैं बहुत खुश हुई, और मुझे सच बनाऊँ तो मुझे पहली बार हुआ कि मैं खूबसूरत हूँ, क्योंकि मेरे घर में शायद मिरर है नहीं, तो मैंने अपने आप को इतना अच्छे से कभी देखा ही नहीं। उसने जब मुझे बोला कि तुम्हारा फ़ोटो देता हूँ, तो फिर मुझे उस पता नहीं ऑटोमेटिकली एक हीरोइन वाला फील आया कि मैं अच्छी दिखती हूँ, तभी तो उसने मुझे बोला कि तुम्हारा फ़ोटो मैं पेपर में देता हूँ। उसके बाद जब वो कुछ जो मेरे एरिया में थे उन लोगों ने तो पहचान लिया कि मैं हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे तू कितनी अच्छी दिखती, तू हीरोइन बन सकती है ये वो। तो उन्होंने जब मुझे ऐसे बोला तो मुझे लगा कि फिर हाँ मुझे मेरा करियर मिल गया है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अभी हीरोइन बनती हूँ, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, और फिर मुझे भी था कि ये नहीं मुझे बनना है, क्योंकि कुछ लाइफ में करना था अपने मम्मी के लिए भाई के लिए। तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मैं मुंबई जा रही हूँ। एक बार ऐसे ही मैंने डिसाइड कर लिया, फेसबुक पे ऑडिशंस आते थे तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मुंबई जाके ऑडिशन देती हूँ वाला। फिर था कि वहाँ पे मैं रहूँगी कैसे। तो अब मेरे घर पे तो एकदम स्ट्रिक्ट था, मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो मैं उनको बता के बिल्कुल नहीं जा सकती थी कि मैं मुंबई जा रही हूँ। तो बस मैं मम्मी को बताती थी कि मम्मी मैं मुंबई जा रही हूँ, और मेरी मम्मी ना पापा को बोलती थी कि वो नानी के घर गई है। तो मैं मतलब लोकल ट्रेन में मैं आती थी, वहीं जनरल टिकट लेके नीचे सोती थी, नीचे सो के जाती थी, क्योंकि मैं चादर या बैग वगैरह ऐसा लेके आती तो मेरे पापा को पता चल जाता, तो इसलिए मैं वो कभी लेके नहीं, मैं खाली आती आती थी एक जस्ट हैंड बैग लेके।
वो रात को मैं ट्रेन से आती थी, सुबह मैं वॉशरूम में 5 रुपये दे के फ्रेशन अप होती थी और फिर वहाँ से मैं ऑडिशन देने जाती थी लोगों को पूछ के जो फेसबुक पे मुझे मिलते थे। आने के बाद कई बार ऐसा होता था कि ट्रेन छूट जाती है तो मैं वहाँ पे न्यूज़पेपर डाल के 1.5-2 साल न्यूज़पेपर डाल के VT स्टेशन पे मैं सोया करती थी, क्योंकि आपने देखा होगा कभी गए होगे तो काफ़ी लोग सोते हैं वहाँ पे। तो ऐसा मैंने 1.5-2 साल किया कि ठीक है, मैं फिर तब भी मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि ठीक है अब नहीं करती हूँ कुछ भी। उसके बाद फिर किसी ने बोला कि तुझे एक्टिंग नहीं आती तो तुझे सीखना पड़ेगा, और मुझे लगता था कि नहीं मुझे आती है, पर फिर बाद में वो अपनी कमियां एक्सेप्ट करना पड़ता है हमें। तो फिर मैंने अनुपम खेर में 1 महीने का जो कोर्स होता है वो लगाया। वहाँ पे मुझे एक अमरजीत सर है वो मुझे मिले, क्योंकि वो ऐसे मिले मुझे कि ताकि क्योंकि वो काफ़ी बुढ़े थे तो कोई उनकी हेल्प नहीं करता था, तो मैं हेल्प कर देती थी कि सर ऐसे ऐसे समझाए ऐसे ऐसे समझाए। तो वो चीज़ उनको शायद मेरे में अच्छी लगी कि यार इस सब अपना यंगस्टर वाला ग्रुप बना देते और बुढ़े लोगों को इतना ध्यान नहीं देते। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो सेक्रेटरी रहे हैं सतीक कौशिक की, किशोर शाने और 2-3 आर्टिस्ट की वो, और उनके खुद लड़के जो थे वो डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुमको काम दिलाऊंगा ऐसे। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो एक ज़रिया तो मुझे मिला कि जो मुझे बोल रहा है काम दिलाएंगे। तो अब उन्होंने मुझे बोला कि तू अब मुंबई शिफ्ट हो जा। फिर मैंने मलाड में घर लिया 1 BHK, वहाँ से फिर मैं रहना स्टार्ट किया। फिर मुझे पहली फिल्म हिंदी में जो मिली थी वो युवा मिली थी जिमी शर्मा के साथ। फिर उसके बाद काफ़ी मैं फेक लोगों से भी मिली, जो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा मैं बताना नहीं चाहूँगी, पर साथ साथ में मुझे अच्छे लोग भी मिले। मैं भगवान को इतना थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि एक लड़की जो भीख मांग के बर्तन धो के और जो कभी सपना नहीं देख सकती उसका सपना पूरा किया है भगवान ने। तो काफ़ी अच्छे लोगों से भी मिलाया, उनके वजह से शायद मैं आज यहाँ बैठी हूँ। नेहा खान मतलब कौन है थोड़े लोग जानते हैं।